बैंकिंग के बारे में एक बफर से हम आप सबके बीच हमारे इस खास रिपोर्ट में बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, महानायक अमिताभ बच्चन आए दिन लोगों को अपनी जिंदगी के हर अंदाज से रूबरू कराते हैं। हर तरह से महानायक अमिताभ बच्चन लोगों को ये बताते हैं कि कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है। अमिताभ बच्चन की एक बात लोगों को बहुत पसंद आती है, चाहे वो कितना भी दर्द में हो, अपना काम नहीं रुकने देते हैं, वो वादे से पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसे में अमिताभ बच्चन ने हमेशा ही अपनी जिंदगी में जो भी चाहा वो हासिल किया। आज यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे, एक बार अमिताभ बच्चन ने बताया था कि उनकी पोती उन्हें रोते हुए देखकर उन्हें चुप करा रही थी। जब कोरोना वायरस से वो पीड़ित थे, उनकी पोती ने उन्हें चुप कराया था, कहा था दादू आप भी जल्द हॉस्पिटल से घर आ जाओगे, आप रो मत, ऐसा उन्हें लेकर कह दिया था। जब उनकी पोती ने, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तब उनकी पोती ने उनसे ये कहा था। अब आपको बताना चाहेंगे, अमिताभ बच्चन ने खुद बताया था KBC में कि उनकी पोती ने कैसे उन्हें चुप कराया था, उन्हें बीमार देखकर हॉस्पिटल में देखकर कहा था दादू मत रो। और खुशी के आंसू थे ये, क्योंकि अमिताभ की पोती भी उस वक्त पीड़ित थी, बहू भी पीड़ित थी और बेटे भी, और सब ठीक होकर घर लौट रहे थे। ऐसे में आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे, अपनी पोती के बारे में अमिताभ बच्चन ने एक बार अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया था कि उनकी पोती जो है, जो चाहती है वो बने। आराध्या बच्चन के लिए अमिताभ बच्चन का कहना है कि अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में अगर किसी को हक है कि उनके डेस्क को डिस्ट्रॉय करे, तो वो उनकी पोती आराध्या ही है। वो जब मन तब वो यूज़ करने आ जाती है उनका पेन, जिसको अमिताभ यूज़ करते हैं, और कुछ भी लिखना शुरू कर देती थी उसके साथ। इसके अलावा उनके लैपटॉप से खेलना शुरू कर देती। ये सब देखकर उन्हें बहुत खुशी होती कि कैसे उनकी पोती उन्हें परेशान करती है, और इसलिए परेशान करती भी पोती का इस तरह का अंदाज़ उन्हें बहुत पसंद आता है। अमिताभ ने कहा उनकी पोती जितना उन्हें परेशान करने के लिए उनके ऑफिस वाले कमरे में आती, उतना ही ज़्यादा उन्हें सब देखकर खुशी होती, क्योंकि उनके बचपन का दिन आराध्या ही उन्हें लौटा पाती थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।